नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ रविवार वार्ता में। एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड सेशन जिसे हम अक्सर आपके साथ चर्चा में लेकर आते हैं। कुछ रविवारों से हम उस बारे में आपसे चर्चा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन करने की चाहत बहुत थी। चाहत हमेशा होती है, और उसी बीच में आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और उसके बाद ये मुश्किल से 10-5 मिनट के अंदर आपसे इस बारे में हम चर्चा करके फिर आपसे बतियाएंगे। आपसे गुजारिश इतनी है कि आप इस चैनल अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब इसको कर लीजिए और अपने सभी साथियों को भेज दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही जर्नलिस्टिक टाइप का टाइटल है जो आज डिस्कस होने जा रहा है। टाइटल है कि अंग्रेजी अखबार कैसे पढ़े हिंदी मीडियम के छात्र। कारण क्या है ना जी, कि हम सब लोग जब भी पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज आता है, ब्लॉकेज मतलब कि हमको ये लगता है कि अगर हम कुछ कर पाएंगे अगर हम अंग्रेजी जान जाएं। ये हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर जो कॉलोनियल, जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक बहुत समय से चला आ रहा वजन है, बोझ है, जिसको हम ये मानते हैं जिसको अंग्रेजी आ गई वो इस दुनिया में राज कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप इस बात पर भी कभी डिबेट करेंगे तो मैं आपको एक पॉइंट में बस इतना आंसर दे सकता हूं कि जितनी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, इंक्लूडिंग जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सब अपनी अपनी भाषा ही प्रमोट करती हैं। जापानी लोग सारी रिसर्च जापानी भाषा में करते हैं, जर्मनी लोग, जर्मन के लोग जर्मन में, जर्मनी की जो भाषा है उसमें करते हैं, फ्रेंच लोग फ्रेंच में करते हैं। सब अपनी अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम हिंदुस्तानियों में 200 साल का कैरियज है अंग्रेजी भाषा को लेकर के, तो निश्चित ही उसका प्रभाव भी पड़ना लाजमी है। लोगों के मन में ये रहेगा भी कि भाई अंग्रेज जो हैं वो कटपट जो अंग्रेजी बोलते हैं वही लोग हमारे देश में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ये आर्ग्यूएबल पॉइंट है, ऐसा मैं नहीं कहता कि ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी भाषा का ज्ञान होना बुराई नहीं है। आपको हिंदी भी बहुत अच्छे से आए, आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आए, और आप और भी रीजनल भाषाएं जानें और विदेशी भाषाएं जानें, ये आज के समय में वैश्वीकरण के लिए बहुत बुनियादी चीज़ है। तो ये तो हुए प्रवचन समाप्त। तो मुद्दा ये है जनाब कि आप अंग्रेजी भाषा सीख नहीं रहे हैं। हम तो केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे छात्र जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS, बैंकिंग, डिफेंस, इन सब के अंदर सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है वो ये है कि सर पेपर या तो इंग्लिश मीडियम में आ जाए तो हमारी हालत ख़राब है, और CSAT जैसी परीक्षा में कॉम्प्रिहेंशन आ जाए तो हमारी हालत ख़राब है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में जो भर भर करके अंग्रेजी आती है उसके आधार पर तो कई लोग जो SSC और रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं वो बैंकिंग में उतर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ भाई साहब अंग्रेजी आती है इसलिए हम क्या करेंगे। यही हाल डिफेंस का है। CDS के अंदर तैयारी करने वाले लोग अंग्रेजी देख करके दूर भाग जाते हैं। ठीक है साहब, अगर आपको यही सब कुछ है तो एक मोटिवेशन के लिए तो लाइन इतनी सी समझ लीजिए कि आपके दिमाग में अगर इतना बैठ जाए कि जब आप पैदा हुए थे ना तो आपको कोई भाषा नहीं आती थी। आप जरा विचार करके ये देखें, आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखें, शायद वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जब आप जन्म लिए थे ना तो आपको कोई भाषा नहीं आती थी। आप हमारे हिसाब से अगर सही समय से परिवर्ष आपकी हुई होगी तो शुरुआती 2 साल में आपने सेंटेंस फ्रेमिंग भी नहीं सीखी होगी, लेकिन जब आप 3 साल के प्रॉपर हुए तो आप इतना लपट के बोले होंगे ना कि घर वालों ने कहा होगा बेटा थामा, चुप हो जा, मेरी बेटी है 3.25 साल की, मुझे उसको देख के पता है कि वो इतना खचर पचर खचर पचर खचर पचर बोलती रहती है, तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई बच्चे बोलना सीख जाते हैं। अब वो बोलती भी यार हिंदी ही है, तो हिंदी क्या उसने गर्भ से सीखी थी? जी नहीं, एनवायरमेंट से सीखी थी। जब उस बच्चे ने सीख ली, आप तो यार बहुत बुद्धिमान हैं, उम्रदराज हैं, सीखना तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होना नहीं चाहिए। साइंस कहती है कि एक समझदार इंसान की जो समझ है, यानी बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं ना जो एकदम गुड़लू चल रहे हैं, उनकी समझ भी 10वें महीने से जाके शुरू होती है, जब वो कुछ रिकग्नाइज कर पाते हैं। यार मात्र उन्होंने साल भर के अंदर इतनी अच्छी हिंदी बोलना सीख लिया जिसको सबसे क्लिष्ट भाषाओं में से एक माना जाता है। आप जैसे लोग जो इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की एकदम धूल चटा चुके हैं, दुनियादारी की इतनी समझ रखते हैं, एक भाषा आपको परेशान कर सकती है? इसका मतलब पता है क्या है? आपको भाषा परेशान नहीं कर रही, आपकी रिजिडिटी आपको परेशान कर रही है। आपके अंदर एक प्रकार का रुकावट है जिसके लिए हमें खेद है। आपकी वो जो रुकावट है ना, जो आपको बार बार ये कह रही है कि यार तुमसे ना हो पाएगा, यार तुमसे ही कैसे हो पाएगा, अगर होता तो इतने लोग हिंदी थोड़ी बोल रहे होते। इंसान की फितरत है मित्र, वो केवल कंफर्ट तलाशता है। अगर आप मुझे कह दें कि सर आप अभी ये जो काम यहाँ से कर रहे हैं इसे धूप में जाके करिए, तो शायद मैं सेशन ही खत्म कर दूंगा कि अरे जाओ यार नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट है दिमाग में, काम तो पसंद है, लेकिन कंफर्ट जब इंसान के दिमाग में आ जाता है तो
तो वो कई प्रकार से चीजों को अवॉइड करने लगता है। तो मेरा आपसे अनुरोध केवल इतना है मित्र कि जब आप तैयारी करने के बारे में विचार करें, उससे पहले भाषा के प्रति जो डर है ना, इसको खत्म करें। भाषा को जितनी कम इज्जत देंगे आप, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है जो अंग्रेजी भाषा के प्रिय हों, उन्हें मेरी बात से बुरा लगे, थोड़ा ऑफेंड फील कर जाएं, पर मैं एक ही शब्द में इस बात को यूं बयान करूंगा, जिस चीज से भी आपको डर लगे, सबसे पहले दिमाग में से उसकी इज्जत उतारिए। मतलब इसका अर्थ ये है, आपको भय लगता है कि यार मैथ बहुत बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो दिमाग में पहले मैथ के किसी एक यूनिट को इतना घोट के पी जाइए कि आपके सामने कोई पूछे कि हाँ भाई मैथ का ये चैप्टर आता है क्या, तो आप एकदम बुलंदी से कहें कि ये तो हम यूँ चुटकी में उड़ा देंगे। यानी सामने वाले की ना सबसे पहले वैल्यू डाउन करके लाइए, और वैल्यू डाउन करने का तरीका यही है कि आप उसमें महारत हासिल करें। महारत कहाँ से आती है? मेहनत से आती है साहब। मेहनत शुरू कहाँ से होती है? शुरू तो साहब कॉर्नर से होती है, उसके बाद तो अथाह समुद्र है, हैं? आज अपन शुरुआत किसी भी चीज़ की करते हैं। आप सोचिए, जब मेरी बच्ची ने सबसे पहले कदम लिए थे तो वो घुटने से ही चल पा रही थी, पहले तो रिगस रिगस करके उल्टा चल पा रही थी, फिर गडलुए चलने लगी, घुटने से चलने लगी, चलने के बाद धीरे धीरे वो उंगली से पकड़ के चलना लगी, प्रॉपर फिर सीधा चलने लगी, अब वो बढ़िया दौड़ती है। हो सकता है बाद में खेलकूद में उसका इंटरेस्ट रहा अपने बाप से इतर, तो शायद वो दौड़ने में भी आगे निकल जाए। मुद्दा समझिए जनाब, मुद्दा केवल इतना है कि आप अपने अंग्रेजी के इस भ्रम को, जो साइकोलॉजिकल भ्रम है ना, इससे बाहर निकलिए। अगर आपकी आवश्यकता अंग्रेजी है तब तो साहब आपको ये सेशन सुनना चाहिए। तो भाई साहब, मैंने भूमिका बना दी है, वार्म अप हो चुका होगा आपका, अब मुद्दे पर भी आ जाते हैं, माहौलबाजी पूरी हो चुकी है। आपसे इतनी देर में गुजारिश ये है, जितने भी साथी अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों को भी पकड़ पकड़ के ठोंसे मरवाएं कि अरे सब्सक्राइब कर सर, इंस्पायर कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दा आप थोड़ा आगे बढ़ता है कि सर तो अब एक बात बताइए, शुरुआत कहाँ से करें? आपकी बच्ची ने कम से कम पैर से रिगस करके तो शुरुआत की थी, हम शुरुआत कहाँ से करें ये बताइए। तो आप भी ऐसे ही करिए। आपको हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होने के नाम पर अंग्रेजी अखबार पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, अखबार पढ़ने की नीड जो है वो यूपीएससी वालों के लिए, क्योंकि 4 साल पुराने अगर किसी बच्चे ने टॉपर के इंटरव्यू देख लिए तो उस इंटरव्यू में ये लाइन संभव ही नहीं है कि वो ये ना कहे कि मैंने अखबार नहीं पढ़ा, मैंने अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ा। ये तो भाई साहब जियो को धन्यवाद दिया जाए जिसने इतना सस्ता इंटरनेट कर दिया कि हर मास्टर उस अखबार को लेकर के यूट्यूब पर आ गया, और यूट्यूब से वो मास्टर खुद ही बेचारा बोल बोल कर आपको पढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि जियो की क्रांति से पहले, जिस प्रकार से देश में हरित क्रांति श्वेत क्रांति आई, आने वाले जमाने याद रखेंगे कि जियो भी एक क्रांति लाया था, उस क्रांति से पहले वाला जो फेज है, उस समय के जितने भी यूपीएससी टॉपर्स हैं उनको उठाकर आप देखिएगा तो वो सब लोग अपनी बात में एक बात जरूर बोलते हैं, हम 2 से 2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। अब अचानक आज की जनरेशन आती है, वो 4 साल पहले के टॉपर से बातचीत करने मिलने पहुंच जाती है, कोई कलेक्टर आवास में मिलने पहुंच गया, कोई किसी कोचिंग में मिलने पहुंच गया। अब भाई साहब वहां पर वो टॉपर जनाब आए हुए हैं, उनको जियो की क्रांति के बारे में कुछ नहीं पता है, आप उनसे जाके पूछ लिए कि सर पढ़ते कैसे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना है, तो वो तुरंत तपाक से एक लाइन भर देते हैं कि देखिए देखिए पढ़ाई करनी है अगर आपको तो आपको पहले अखबार को अपनी आदत में डालना होगा। अब भाई साहब हम इतनी बात सुनते ही एकदम धूझनी चढ़ जाते हैं कि यार हम तो आज के जमाने के लोग हैं, आज के ज़माने के हैं, हम तो केवल और केवल इंटरनेट पर यूट्यूब के माध्यम से सरों को सुनते हैं, ये भाई साहब तो अखबार की बात बता रहे हैं। अचानक विश्वास उठ जाता है, फिर लगता है कि यार ये तो हमारे साथ चीट हो गया, ये जनाब तो अखबार से पढ़ के आईएएस बने थे और सर जो हैं आजकल चूरन पिला रहे हैं, खुद पढ़ा के बैठा दे रहे हैं। तो जनाब बात ऐसी है, जियो की क्रांति ने आपका अखबार हम लोगों के माध्यम से बुलवाना शुरू कर दिया। जो हम आज आप तक न्यूज़ लेकर आते हैं, माँ कसम मेरे घर वाले रिपोर्टर नहीं हैं, माँ कसम मेरा कोई भी सोर्स मीडिया हाउसेज में नहीं है, मैं उन्हीं अखबारों को पढ़ता हूँ और उन्हीं को ट्रांसलेट करके आपके सामने सुना देता हूँ, ताकि होता यह है कि आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए और मेरी जो इतनी मेहनत आपके लिए की गई है वो कारगर हो जाए। बस इतना सही काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ वो आपको सिखा दूँ, ताकि आपके मन से ये डर निकल जाए कि ये काम किया जा सकता है अथवा नहीं। तो जैसा किसी ने कहा है कि जब बच्चा गुडलू चलना यानी कि लुढ़क करके चलना शुरू करता है तो आप लोग कहाँ से शुरू करें, तो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे आज मित्र बैठे हुए हैं, उनके साथ मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था कि सर इंग्लिश की शुरुआत कैसे की जाए, तो उनने कहा कि सर देखिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने स्टूडेंट से कहिए कि वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ना शुरू करें, और ये बात कहीं ना कहीं तक सही भी है।
हमारी जो रुचि है ना जिस चीज में, अगर हम एक बार उस काम को शुरू कर दें तो फिर टफ काम भी मुश्किल नहीं लगता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज ही आपने जो अखबार पकड़ा, जैसे कई लोग तो इस समय ये पूछ रहे हैं, सर द हिंदू पढ़ें कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें कि पंजाब केसरी पढ़ें। मैं क्या कह रहा हूं, आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई भी अखबार एक्स वाई जेड, उस अखबार का जो सबसे आसान हिस्सा है वो है उसका विज्ञापन, क्योंकि अल्टीमेटली उसे पहले आपको उसे समझाना है और समझा करके आपकी जेब से पैसा निकालना है। जब आप समझेंगे ही नहीं तो पैसा निकालेंगे क्यों? तो आप अपनी शुरुआत करिए किसी अखबार में दिए हुए विज्ञापन से। आप उस विज्ञापन को पढ़कर देखें, आपको समझ में आने लगेगा कि यार इस विज्ञापन वाले ने तो हमारे लिए ही लिखा है। अब आप कहते हैं सर मैं तो विज्ञापन भी नहीं पढ़ पाता। हाँ, मुसीबत ये भी बहुत बड़ी है कि हम विज्ञापन भी नहीं पढ़ पाते। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी बेसिक शिक्षा, जिसे प्रौढ़ शिक्षा में चाहें तो प्रौढ़ शिक्षा में या सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जाकर क्लास एक से लेकर छः तक की पढ़ाई ढंग से कर लें, क्योंकि अंग्रेजी बेसिक ABCD तो वहाँ पर भी सिखाई जाती है ना जनाब। तो इतना आपको आता होगा यह मैं मानकर चल रहा हूँ। आपको इज एम आर के बारे में पता होगा, टेंस के विभिन्न प्रकार आपको पता होंगे, और नहीं पता है तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप विज्ञापन पढ़िए, और नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, चिल्ला चिल्ला कर पढ़िए, ताकि कोई तो समझाने में आपकी मदद कर ही देगा। अब फिर सवाल बनता है सर विज्ञापन पढ़ने से क्या होगा, अखबार पेपर में विज्ञापन थोड़ी पूछा जाएगा। ठीक है साहब, विज्ञापन नहीं पूछा जाएगा, आपका कोई ना कोई तो रुचि का सब्जेक्ट होगा ना बॉस। सर लेकिन पेपर में रुचि का सब्जेक्ट थोड़ी पूछा जाता है। अरे साहब मानिए तो सही, हम जो कह रहे हैं आपसे पहले वो तो सुनिए। मैं अपने ऊपर हुआ एक प्रयोग आपसे साझा करता हूँ। मैं जो आपको 4x4 दिखाई पड़ता हूँ, जब भी मैं कहीं जाता हूँ एक्सरसाइज करने किसी जिम में जाता हूँ, तो जिम का ट्रेनर मुझे पहले ही दिन ये नहीं कह देता कि साहब आपको ये 100 किलो का वजन उठाकर ऊपर नीचे करना है, या वो पहले ही दिन ये नहीं कह देता कि ट्रेडमिल पर घंटे भर से पहले नीचे नहीं उतरना है। वो पहले मुझे कहता है कि सर वार्म अप करिए, फिर मैं कहता हूँ कि यार मेरा शरीर जमा पड़ा है, चला नहीं हूँ मैं, एकदम ही लठ बना खड़ा रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है हम आपका थोड़ा वार्म अप कराते हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं जो आपके लिए आसान प्रकार की हों। हमने कहा भैया आसान क्या होता है? बोले आसान के लिए आप थोड़ा हाथ हिलाइए, गर्दन हिलाइए, अपने मटके जैसी कमर हिलाइए। तो वो करवा करवा कर हमें हिलाता है। थोड़े दिनों बाद फिर हमें लगता है कि हाँ यार लचक तो बन गई है, अब जब बन गई है तो थोड़ा इसे आगे खींच लिया जाए। आपके साथ भी यही गुजारिश है, आप सबसे पहले अपने रुचि का सब्जेक्ट ढूंढिए जनाब। रुचि का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आप पूछेंगे सर सच बताएं हमें फिल्मी गॉसिप पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मतलब क्या ही बताएं आपको, रणवीर और आलिया की खबर सुन के तो ऐसा मन करता है कि UPSC में काश ये पूछ लिया जाए तो फुल पेपर में नंबर ले आए। तो सच बताएं आप अगले 7 दिन तक केवल फिल्मी की दुनिया को ही पढ़िए। आप बाहर में जाने दो, UPSC स्टेट PCS सबको साइड में हटा दो, केवल फिल्मी दुनिया का नॉलेज लो, क्योंकि हर प्रकार की कैटेगरी के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। जो फिल्मों में काम आने वाले शब्द हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन में काम नहीं आएंगे। आप 1% लोड मत लीजिए, वो जो वोकेबुलरी यूज़ कर रहे हैं ना फिल्मी ज्ञान की, उसको ढंग से पढ़ लीजिए। आज साहब संभव है कि शाम को क्रिकेट का टूर्नामेंट है, जहाँ तक मैंने सुना है, इंडिया पाकिस्तान का, अगर हाँ हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर ऐसा है तो साहब आपको मैच में इंटरेस्ट है। अब मैच का जो वो होता है, जो बोलने वाला कमेंटेटर होता है, वो कमेंटेटर पूरे टाइम अंग्रेजी में खचर पचर कर रहा होता है, पर मज़ेदार बात सुनिए कि आपकी ध्यान जो है ना वो तो होता है बैट बल्ले पर, कान चल रहे होते हैं कमेंटेटर के साथ, और वो जो शब्द मतलब के बोलता है ना वो आपको सब पता है। वो बोल रहा होता है कि ये बॉल वाइड थी, ये 4 हो गया, ये कैच हो गया, ये यूं हो गया, ये नो बॉल थी, अब ये 3rd एम्पायर के पास चला गया। इतना अंग्रेजी का शब्द आपको आता है। इसका मतलब फिर से समझिए, इसका कुल मिलाकर अर्थ यही है मित्र, कि आपका जो इंटरेस्ट है ना उसको सबसे पहले पढ़ना शुरू करिए। जो बाबा लोग आपसे ये कह गए, जैसे जब हम सबसे पहले तैयारी शुरू किए तो हमारे कुछ मित्रों को हमसे कंपटीशन हो गया। कंपटीशन इस बात का कि यार ये कल का लड़का अगर आज सिलेक्शन पा गया और हमने इसको सही ज्ञान दे दिया और ये इस आधार पर सेलेक्ट हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, हम 6 साल से यहाँ घिस रहे हैं और ये पहले ही साल में पास हो गया तो इंसल्ट हो जाएगी हमारी। तो उनने हमको लंबा रास्ता बताया। लंबा रास्ता क्या बताया? उनने हमको पहले ही दिन द हिंदू पकड़ा दिया और कहा कि अगर तुमको सेलेक्ट होना है तो पहले तुम द हिंदू चाटना सीखो। अब यार हमारा दिमाग एकदम भन्ना गया, हमने कहा यार ये पढ़ें कैसे, शुरू कहाँ से करें? द हिंदू में केवल हिंदू ही शब्द हिंदू का लगता है हमें, उसके बाद सब लगता है कि अंग्रेजी ही है। हमने कहा भाई ये ना हो पाएगा हमसे। हमको लगा कि भाई साहब इसको तो छोड़ ही देने में भलाई है। अब हम उस चक्कर में पूरा GK GS तो पढ़ पाए,
लेकिन वो हिंदू आज तक खत्म नहीं हो पाया, हमसे कम से यार ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही दिन किसी ने भय बिठा दिया। यार ऐसे कोई करता है क्या भला? आपसे कोई ये कह दे मेरी बच्ची जो अभी पैदा हुई है बेड से खड़ा हुई है और उसको हम ले जा करके एकदम 400 मीटर के ट्रैक पर कह दें कि अब तुम्हारा कंपटीशन उसेन बोल्ट से है, यार तो मजाक हो गई ना भाई। तो ऐसे जो घातक मित्र या सर्कल के लोग हैं आप उनसे थोड़ा बचें भाई साहब। जो आपका मोरल डाउन करने का कोई भी प्रयास करते हो उन्हें दूर से हाथ जोड़ दें। वो अच्छा मित्र आज के ज़माने में वही है जो आपको सही दिशा दिखाए। वो जो पुरानी बात है जनाब कि निंदक नियर है राखिए, अमर नहीं मानते इस बात को, निंदक नियर है राखिए, वो लोग आपको डिमोटिवेट ही करते हैं जो आपके निंदा करते हैं। तुमसे ये नहीं आता है तुम यूं और तुम यूं, अरे भाड़ में जा तू यार, हम जो हैं वो तो हमको ऑलरेडी पता है, तो अच्छा ही बताना जिसपे हम काम करें, जैसे हमारा भी भविष्य बने भाई। तो अब आप अपने मित्रों की सर्कल जब ढूंढे ना तो उस तरह के मित्र रखिए जो आपको मोटिवेट करें। वो मित्र कैसा पनवाड़ी भी हो सकता है, मित्र रखिए उसे कोई लोड नहीं है, जो आपके साथ में केवल ये बताए कि भाई साहब आप एकदम यूनिक पीस हो, वो आपके अंदर के इंसान को पहचाने। भाई दुनिया में तो एक से बढ़कर एक ज्ञानी ऑलरेडी बैठे हुए हैं यार, पैसे वालों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो मुद्दा कुल जमा ये है कि आप जब पढ़ने बैठे अखबार तो एक बार में इतना भारी भरकम अखबार मत उठाइए जिसको देख करके ही पहले धूजनी चढ़ जाए कि यार ये कैसे होगा। तो व्यवहार में हम चीज़ें कैसे लाएं, सबसे पहले विज्ञापन पढ़ें। जैसे हम लोग ना जब हमारे घर वालों ने हमको अखबार पढ़ने की आदत शुरू करवाई तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार शुरू करवाया। क्यों? क्योंकि उसमें भर भर के विज्ञापन आता था, हमको उसमें न्यूज़ खोजना एक चैलेंज लगता था, हमको लगता था यार इसमें न्यूज़ खोजें कैसे, क्योंकि उसमें जहां देखो उस पन्ने पर विज्ञापन भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो जो विज्ञापन है ना यार, उस विज्ञापन को चाट डालो। हमको ऐसा लगता था हमने अखबार पढ़ लिया है पूरा, कोई हमसे पूछा क्या पढ़े तो हम बताते थे कि फलानी जगह इसमें एक्सीडेंट हो गया है, इतने लोग मर गए हैं, इतना हो गया। पहले उस न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी हैबिट में जानकारी प्राप्त करना शुरू करो। आपको कोई न्यूज पता है, मान लीजिए आपको देश में कोई क्राइसिस पता है, क्राइसिस क्या पता है, कहीं बहुत बड़ा हादसा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ लोग मर गए, आपने हिंदी अखबार में भी उस न्यूज को पढ़ लिया है, सुन लिया है, कोई बात नहीं, अब उसको अंग्रेजी में से भी पढ़ के देखिए कि इसने किस तरह से लिखा है। यानी कि आप लोग जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं उनके दिमाग का जो सबसे बड़ा बोटल नेक है पता है वो क्या है? वो अंग्रेजी अखबार का मतलब समझते हैं कि भाई साहब ये तो पेपर के लिए ही पढ़ना है। अरे महानुभाव, उसे पेपर के लिए तब पढ़ेंगे जब पहले वो आए तो सही। पेपर के लिए क्या पढ़ना है ये तो बहुत आसान है बता देना यार, हर दिन हम YouTube पर इतने देर घंटे बिता रहे हैं, वो पढ़ने का ही ज्ञान है। पहले उस अखबार के माध्यम से जो पढ़ने लायक चीज है वो पढ़िए। YouTube वो एग्जाम में क्या आएगा छोड़िए थोड़े दिन, पहले ही दिन। अच्छा एक बात बताएं आपको, मैं अभी ये कह दूं कि आपको एक किताब पकड़ाई मैंने, उस किताब के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां थी, मोटिवेशनल स्टोरियां थी, मैंने आपसे कहा कि इनको पढ़िए और इनको पढ़ करके आराम से रख दीजिए। वहीं मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा ये पकड़िएगा, ये रैपिडेक्स है, इसका हम तुमसे टेस्ट लेने वाले हैं, 7 दिन के भीतर तैयार कर लो इसको। यार हमारा टेम्परामेंट ही बदल जाता है अगर कोई किताब हम केवल इस तरह से पढ़ने लग जाए ना कि इसके अंदर परीक्षा देनी है, या इसलिए पढ़ने लग जाए कि इससे बढ़ करके आगे सिलेक्शन लेना है, नहीं कर पाते भाई, हमारे अंदर डर आ जाता है। तो अखबार आपको कैसे अपना मित्र लगेगा ये बताइए ना। अखबार का मित्र लगना जरूरी है कि नहीं? और जरूरी है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यह है भाई कि पहले अखबार में आपको अपनापन लगे। अपनापन कैसे लगेगा? जब आपको जो खबरें पता हैं पहले से उन्हें पढ़ें। आपको राजनीति में इंटरेस्ट हो सकता है, राजनीति पढ़िए। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिकेट पढ़िए। तो उम्मीद है कि आपको अब तक दो बातें समझ में आ गई होंगी। पहला, अंग्रेजी अखबार से डर निकालना है। डर निकालने के लिए उसको अखबार को घर में ही लगा लेना है। आज से ही बोल दो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को कि भैया पेपर वेपर नहीं दे रहे हैं, हम अपना अखबार लगा रहे हैं। और अच्छा बता दें अगर आपको, तो द हिंदू पर बाद में जाइएगा, हम द हिंदू को रिकमेंड इसलिए शुरुआत में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो विज्ञापन नहीं देता है, तो पढ़े क्या आदमी। तो आप इंडियन एक्सप्रेस उठाइए जो विज्ञापन और न्यूज़ का सही सा संगम है, द इंडियन एक्सप्रेस उठाकर अपने घर में लगवाइए, बढ़िया विज्ञापन पढ़िए और उसके फ्रंट पेज पर जो भी देश भर की खबरें आ रही है ना उनको बढ़िया से पढ़िए। और अच्छा इस बीच में एक बहुत ज्ञानवर्धक बात बता दें, मतलब जो मुँह से निकली जा रही है बस रुक नहीं पा रही है, वो ये है कि जितने भी साथी इस समय लाइव है ना वो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, हैं लाइव हमारे 3000 से ऊपर हैं और लाइक हमारा 1000 है, ये कैसा प्यार है, क्या राइमिंग बनाई है, मोदी जी हो गए हम तो। मुद्दा समझो, देखो मुद्दा ये है कि आपको लाइक करना है जनाब, इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर देना है। और आज हमको थैंक यू बोलने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, आप में से कई लोग कल टीचर्स दिवस है, टीचर्स डे है, उसके एवज में हमें धन्यवाद पता नहीं बोलेंगे या नहीं लेकिन हम खुद से मांग ले रहे हैं। और ये है कि अपने गुरु के लिए
अपने साथ वालों के लोगों के मोबाइल निकलवा निकलवा कर चैनल को सब्सक्राइब करवाई है कि लाओ भैया इधर लाओ मोबाइल तुम्हारा, आप पकड़ के मोबाइल उसमें सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि उन तक भी ये ज्ञानवर्धक पुष्टिवर्धक जो चीज़ें हैं ये पहुंचते रहें और आपका हमारे प्रति जो सहसम्मान चीज़ है ना वो हो जाए। हमें लगता है कर पाएंगे आप, जब हम इतनी एनर्जी आपके लिए निकाल रहे हैं तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, घर के चार मोबाइल तो आप अपने ही निकाल लीजिएगा तो सब्सक्राइब ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखते हैं कल, देखना पड़ेगा टीचर्स दिवस हमारा कैसा बनता है, कितना आप हमारे लिए कर पाते हैं। ठीक है साहब, तो आगे बढ़ते हैं साहब। तो पहला मुद्दा हमको समझ में आ गया, दूसरा मुद्दा हमने आपको बता दिया। दूसरा मुद्दा क्या था जनाब कि आपको हमने कह दिया विज्ञापन पढ़िए, दूसरी चीज थी अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उठाकर पढ़िए। अब ये दो काम हो गए सर, अब क्या करें? अब जनाब इससे तीसरा जो काम है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। और वो क्या है, हमको जब कोई शब्द नहीं आता अंग्रेजी में, हमारा उसी समय एकदम कान फ्लावर हो जाता है कि यार ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये शब्द क्या लिख दिया है। ऐसी स्थिति में एक सस्ती सी डिक्शनरी खरीद लीजिए। लेकिन एक ईमानदारी की बात बताएं बॉस, आप बुरा मत मानिएगा, एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं, उस अंग्रेजी शब्द का मीनिंग मोबाइल में मत ढूंढिएगा। हम सच बोल रहे हैं, हम कैमरे पर पूरे होशो आवास में बोल रहे हैं, चिकोटी काट के दिखा दें अपने। मुद्दा ये है जनाब, मोबाइल में ट्रांसलेशन मत ढूंढिएगा। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, क्यों नहीं ढूंढे हम? जनाब इसलिए ना ढूंढे कि आप अपने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल जो है ना उसके लिए ही जैकलिन फर्नांडिस ने गाना गाया था मुझे तो तेरी लत लग गई। कारण यह है जनाब कि आप एक बार के लिए उस पर गए तो ट्रांसलेशन के नाम पर आप उस दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां से वापस अखबार में आना बहुत मुश्किल टास्क है। तो फिर क्या करें भाई साहब, ऑक्सफोर्ड वाले मर गए डिक्शनरी बना बना के। एक डिक्शनरी ले आइए, उस डिक्शनरी को बगल में लेकर बैठिए, इसको होमवर्क की तरह करिए, मोबाइल से कहिए भैया थोड़े दिन हमें अकेला छोड़ दो, उस एक घंटे की यात्रा में अलग रहिए और एक डिक्शनरी अपनी बगल में उठाकर रखिए और उस डिक्शनरी में हो सकता है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, और इवन अगर हमारी टेक्निकल टीम जो है वो पोल करा के आपसे पूछ ले, अगर टेक्निकल टीम जग रही हो तो एक पोल कराए और वो ये पूछे कि बताओ डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इंग्लिश के शब्द ढूंढना आता है कि नहीं आता है। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, इसमें से 50% लोग मिनिमम ऐसे हैं जिन्होंने आज तक डिक्शनरी यूज नहीं करी। पोल केवल इसी बात का करा लिया जाए कि क्या आपने कभी डिक्शनरी यूज की है, वो जो आती है वो यूज की है। आज की जनरेशन के बारे में कह रहा हूं, जरा चेक कर लिया जाए टीम जग रही हो तो, है ना। तो साहब आगे बढ़ते हैं हम, क्या पता जग रहे हो, डिक्शनरी यूज की है इस बात पर पोल करा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। तो अब सवाल क्या है, आप उस डिक्शनरी को रख के बैठे, फिर आप कहेंगे सर डिक्शनरी रखने से तो हमको बहुत दिक्कत होती है, एक दिन यही शब्द हमने पढ़ा था इसका मीनिंग कुछ और था, अगले दिन पढ़ा था कुछ और मीनिंग था। देखो आजकल डिक्शनरी वाले समझदार हो गए हैं। अब वो समझदार कैसे हो गए हैं, वो समझदार ऐसे हो गए हैं कि ट्रांसलेशन जब वो बताते हैं तो इंटरेस्टिंगली वो क्या करते हैं, इंग्लिश का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताते हैं, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन बताते हैं और उस इंग्लिश शब्द का प्रयोग करके भी बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है साहब आजकल। आप इस तरह की डिक्शनरी लेके आइए, हम नहीं कह रहे कि आप ऑक्सफोर्ड की लेके, कोई सी भी लेके आओ, क्या देखना है इंग्लिश शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या दिया हुआ है नंबर एक, दूसरा इंग्लिश शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या दिया हुआ है नंबर दो, नंबर तीन हिंदी जो शब्द है उसका, अब भैया मैं ही कर ले रहा हूं क्योंकि टीम सो गई है हमारी, पता था हमको राजा लोग हैं हमारे। डिक्शनरी पर आप हमें बताइए कि आपने आज तक यूज की है या नहीं की है, ये हमने खुद ने ही पोल क्रिएट कर दिया है, आया कि नहीं आ गया। डिक्शनरी यूज की है तो यस करें और नहीं यूज की है तो नो करें, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या करें कि आजकल की जो चीजें आ गई है ना आप उनको थोड़ा सा समझ के चलिएगा। और वो ये है कि बेटा अगर हम ये मानकर चलें आपके साथ कि साहब हमने डिक्शनरी का उपयोग करा लेकिन उस डिक्शनरी में इंग्लिश शब्द का मीनिंग इंग्लिश में, इंग्लिश शब्द का मीनिंग हिंदी में और इंग्लिश का प्रयोग भाषा में, ये तीन प्रकार की डिक्शनरियां आपके पास आती हैं, तो जब भी आप मार्केट में लेने जाएं तो इस प्रकार की लेकर आएं कि जो आप शब्द खोज रहे हैं ना उसका प्रयोग किया हुआ सेंटेंस वो आपको दिखा दे, नंबर एक। एक और बात बताएं साथ साथ, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आज हमारे मित्र ने हमसे डिस्कशन करते हुए बताई, उन्होंने कहा कि अगर आप, हमारे हर्ष शर्मा जी मित्र हैं आप जानते होंगे और उनसे आपको मुखातिब भी कराएं, सर आइए एक बार, ये ज्ञानवर्धक बात अपन डिस्कस कर रहे थे, इन बच्चों को ये वाली लाइन भी आप बोल कर बताइएगा जो आप कह रहे थे ना कि शब्द का ज्ञान लेना होता है। एक मिनट, हम इस तार को अंदर डाल लिए थे खुद के, हम पूरा तामझाम फैला लिए थे। हाँ जी,
आप केवल ये बताइए सर, आप जो अभी कह रहे थे, अब इधर आइए पहले। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी सर, ने हमको ना अभी ज्ञान दिया था, अभी ये हमारे मित्र हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में हैं, और कल हम दोनों लोग जो है रात्रि को परिक्रमा लगा के आए हैं गिरिराज जी महाराज की, है ना, वो भी नंगे पैर लगा के आए हैं। मैंने थोड़ी चीटिंग करी, मैंने एक रबड़ की चप्पल, वो वाली जो कपड़े वाली आती है, वो पहन ली थी आधे रास्ते बाद। आज राधा अष्टमी है, तो भैया राधा रानी की कृपा के बिना जो है ठाकुर जी कृपा नहीं बरसाते हैं, तो हम दोनों मित्र जो है वो परिक्रमा लगाने पहुंच गए कि हमने कहा भाई देखिए राधा रानी को मनाना जरूरी है, तभी ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो हम परिक्रमा लगाए भाई साहब, अब परिक्रमा लगाई है, सुबह हम 5 बजे आकर पहुंचे हैं, अब आपके सामने फिर खड़े हैं ना धोकर, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 21 किलोमीटर चले ही नहीं। तो इस दौरान हमारा डिस्कशन हो रहा था कि बच्चों की आदत कैसे सुधारें। आप देख रहे हैं हम चर्चा के दौरान भी आप लोगों की चिंता कर रहे थे कि भाई साहब चर्चा करके बताएं कि क्या करें। सर वो वाला पॉइंट बताइए जो आप कह रहे थे कि शब्द जो है ना उसका प्रयोग करके लाइन में रखें। तो होता क्या है, हमने शुरू से देखा है, जब भी कोई शब्द हमें समझ में नहीं आता, सबसे पहले हम उसे डिक्शनरी में देखते हैं, और क्योंकि हम इस शब्द को बाद में यूज़ कर सकें लिखने में या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो हम ये सारे शब्द कहीं लिख लेते हैं, वोकैबलरी में ऐड हो जाए, जिससे हमारी ये शब्द हम कहीं लिख लेते हैं और बाद में उनको याद करते रहते हैं। ये चीज़ मैंने भी करके देखी थी जब मैं उस दौर में था, जब मैं चाह रहा था मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो, लेकिन ये कभी काम नहीं करता। आप शब्द को कभी ना लिखें, लोग शब्द लिख लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं शब्द लिख लेते हैं साथ में उसका मीनिंग भी लिख लेते हैं, पर ये चीज़ कभी काम नहीं करती। आप क्या करें, वो शब्द लिखने की जगह जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा सेंटेंस लिख लें। तो उस सेंटेंस लिखने से क्या होगा, आपको ना सिर्फ शब्द याद हो जाएगा, आपको ये भी याद हो जाएगा कि वो जो शब्द है वो किस तरीके से यूज़ होता है, किस फॉर्म में यूज़ होता है, और आगे आपको ना सिर्फ शब्द वो पूरा सेंटेंस आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। आपने गलत पढ़ रखा है। हेलो 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 हेलो, थोड़ी आवाज़ में झरझराहट आ रही है मालिक, ये गिर गया था बेटा, और सर के आने का जो है ना, हेलो, सिर्फ शब्द याद हो जाएगा, आपको ये भी याद हो जाएगा कि वो जो शब्द है वो किस तरीके से यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है। नहीं नहीं, वो अंतर इसमें यूज खोजे क्या, दोनों में अंतर आ गया, नॉइस आ रहा है, देखते हैं। अब आपकी एंट्री हो और धमाकेदार ना हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। याद हो जाएगा कि वो जो शब्द है वो किस तरीके से यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है। माइक क्या ना हमसे गिर गया था, शब्द वो पूरा सेंटेंस आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी आवाज़ में झरझराहट आ रही है मालिक। हाँ हाँ हाँ, ये गिर गया था बेटा, हम पकड़ ले रहे हैं, आप क्या इसकी गर्दन पकड़ ली तो आवाज़ नहीं निकला। तो जी तो आप सर की जो बात है ना, हम बताते हैं एक बार के लिए, सर का जो कहना है ना वो केवल ये है आप सबके लिए कि जो आप शब्द पढ़ रहे हैं उस शब्द का प्रयोग करिए साहब, और प्रयोग करने का मतलब ये है कि जहाँ पर अंग्रेजी लिखी है उस डिक्शनरी के शब्द को अखबार के अंदर से सेंटेंस समेत बाहर निकाल लीजिए। केवल ये नहीं कि इस शब्द का मीनिंग क्या है वो खोज लिए और काम हो गया, शब्द की जगह उस लाइन का मीनिंग खोजिए कि ये लाइन का उपयोग यहाँ क्यों हुआ है। सर यही कहना चाह रहे हो ना आप? सर एक छोटा सा पॉइंट और है कि शब्द लाइन के साथ साथ फ्रेजेस और ईडियम्स जो होंगे, जो ईडियम्स और फ्रेजेस यूज़ किए होते हैं आर्टिकल में, एडिटोरियल में, न्यूज़ में, उनको भी एज इट इज़ लिख लें। तो ना सिर्फ आप ईडियम और फ्रेजेस लिख पाएंगे, उनको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस टेंस में करना है, वो सारी चीज़ भी आप सीख पाएंगे। तो इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ बता दी, अभी हम निपटा के आ रहे हैं इनको, धन्यवाद सर। तो अब मुद्दा ये है कि सर ने जो बात बताइए आपको, उसमें एक तो शब्द की बात हो गई, शब्द का लाइन में प्रयोग हो गया, एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और बता गए साथ साथ, वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई का मामला है, लेकिन उसका इंप्रेशन बहुत जबरदस्त बनता है भाई साहब, है ना, बीटिंग अराउंड द बुश, लाइन मार दिया तो भाई साहब खोपड़ी खुजाल रहा है सामने वाला कि यार मैंने झाड़ के सामने किसकी पिटाई बनाई, तो भाई साहब वो एकदम मतलब सामने वाले के दिमाग में एकदम भौचक्का कर दिया कि यार ये कौन सी अंग्रेजी सीख गया है, है ना बैक टू द स्क्वायर वन, अरे यार ये कौन सी चीज बाँच कौन सी चीज रहा है। तो ये जो ईडियम और फ्रेजल वर्ब्स है ना, इनका दबा के प्रयोग करिए तो सामने वाले के दिमाग में ऐसा जाता है कि यार ये तो बहुत सही जा रहा है। और न्यूज़पेपर वाले भी आजकल यही करते हैं यार, अपन क्या है कि बीटिंग अराउंड द बुश देख लिए, अब उसको देख कर खोपड़ी खुजाल रहे हैं कि यार कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। लेकिन साहब असल मुद्दा यह है कि अंग्रेजी वाले भी जो हैं वो कुछ ही शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे होते हैं। तो हमने तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको, वो शब्द का ज्ञान जो है वो आपको कैसे निकालना है वो हमने बता दिया। हम हालांकि इन पॉइंट्स को लिखकर आए हैं, पहला एडवर्टाइजमेंट पढ़ना शुरू करें, डिक्शनरी पढ़ना शुरू करें, और कीवर्ड्स को जो है वो आप करना शुरू करें। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे कहा ना कि आप इस प्रकार से सोचकर ना चलें कि साहब मैं जो है वो कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ूँ, जो मिले वो पढ़ें। और एक मैं, अगर आप स्पीकिंग भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप चिल्ला चिल्ला कर पढ़ें,
मतलब दुनिया को बता दें कि भाई साहब हमको प्यार हो गया अंग्रेजी से। दुनिया के सामने आप जब अखबार उठाएं तो अखबार उठाने के बाद में जैसे अपन बचपन में, अच्छा एक बात बताइए, हम अपने फिर से हम अपना क्या बना तो परिवार ही है साहब, अपन तो परिवार की बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। हमारी बच्ची ने जब पहली जो अकीरा बड़ी वाली बच्ची, हमारे परिवार को जान ही गए अब, आप तो आपसे क्या ही छुपाना, आप हमारा परिवार ही तो हैं। तो हमारी बड़ी बच्ची ने जब पढ़ना शुरू किया ना साहब, तो पढ़ते समय उसने सबसे पहले हमारे कान दुखाने शुरू किए। कैसे? वो अखबार पढ़ती या कोई भी लाइन पढ़ती, राम घर जाता है, ये अपना हर हिंदुस्तानी बच्चा शायद यहीं से लाइन पढ़ना शुरू किया है, श्याम घर जाता है, कोई घर से तीसरा बच्चा मोहन घर आता है, यहीं से तो अपनी हिंदी शुरू होती है। तो वो जो बोल बोल के पढ़ना था ना यार, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि हमारे पास माहौल नहीं है, और जब माहौल नहीं है ना तो माहौल हम खुद से बनाएंगे। बोल बोल के पढ़िए, रोक कौन रहा है, और अपने अंदर से एकदम शर्म उतार दीजिए। अगर आपको ये लगता है ना कोई हंसेगा हम पर कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उससे कहिए कि अंग्रेजी में इसको दो चार जो है ना बस बता नहीं सकते, बस हम कैमरे पे आप समझ जाइए, बस फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, आप खुद से डाल दीजिए जिसको जहां डालना है, मुद्दा समझ गए। कहने का मतलब ये फीलिंग्स के साथ जाने दीजिए हर चीज को, और जब आप फीलिंग्स के साथ जाने देंगे ना, हम सच बता रहे हैं आपको, अंग्रेजी अखबार मजाक लगने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले रुचि में जब आप एंट्री कर जाएंगे ना, इंटरेस्ट में, और जब बोल बोल कर पढ़ना शुरू करेंगे तो आनंद आ जाएगा। सलाह देने के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी मूवी विद सबटाइटल देखिए, लेकिन फिर आप दिशा बदल करके कहीं और निकल लेंगे। अंग्रेजी मूवियां और भी बहुत सारा ज्ञान देती हैं, फिर आप ज्ञान भटका के कहीं और निकल लेंगे, तो हम वो ज्ञान देंगे नहीं। उम्मीद है कि प्रवचनबाजी में आज का सेशन जो है आप लोगों को अंग्रेजी के प्रति थोड़ा डर कम करने में, और अपने अखबार की रुचि, हमने कुछ मिथक तोड़े हैं आपके, कुछ गलत फहमियां तोड़ी हैं। जो गलत फहमी थी सबसे बड़ी यही कि द हिंदू ही पढ़ना है, पढ़ते ही हमको तो इंटरनेशनल रिलेशन ही पढ़ना है और एडिटोरियल ही पढ़ना है, वो सब हमने दिमाग से निकाल दिया। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप एडिटोरियल ना पढ़ें, लेकिन जनाब पहले दिन ना पढ़ें, क्योंकि पहले दिन जब चलना कोई बच्चा सीखता है तो सीधा छत पर नहीं पहुंच जाता है मालिक, ठीक है ना, वो सीढ़ी पैर बाई पैर चढ़ता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मैं पूर्ण उम्मीद है कि आप जरूर अपने साथ इस चीज को कारगर करेंगे। ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, पहले दिमाग में ये बिठाइएगा, कम से कम जाकर के 21 दिन में तो आपके आदत पड़ेगी कि रोज अखबार देखना है, उसके बाद में आपको शब्द समझने आएंगे। और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, भाई साहब मुश्किल से अगर आपने महीने भर तक कोई अखबार ढंग से पढ़ लिया, रिलीजियसली पढ़ लिया, तो अगले महीने वही प्रकार की न्यूज आने लगती हैं, और 6 महीने अखबार पढ़ लिया तो आप तो खुद को अपने आप में एडिटर समझने लगेंगे, क्योंकि वैसी की वैसी लाइनें फिर से आने लगती हैं। इन अखबार वालों के पास भी इतना ही ज्ञान है भाई, वो घुमा घुमा कर, किरदार फिक्स है, बस नाम और न्यूज बदलती जाती है। ठीक है, तो गुजारिश यह है जनाब कि आप 6 महीने रिलीजियसली पढ़ लिए तो समझिए कि आप हमेशा के लिए एकदम फ्लुएंट अंग्रेजी वाले इंसान हो गए, जिसको अंग्रेजी बढ़िया से समझ में आती है। डर निकालिए और जुट जाइए, और ज्ञान अगर अच्छा लगा हो ना तो चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाया हुआ है उसको दबा दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए ऐसा हमको फील हो, गुरु दक्षिणा के रूप में। हम देखिए खुद गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, इतने प्रोफेशनल गुरु जी हैं हम, समझे? तो टीचर्स दिवस की आप शुभकामनाएं हमें प्रेषित कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अब एक लाइन यहां पर अंत में खत्म कर देते हैं, और वो ये है, आप में से कुछ विद्यार्थी इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी इस प्रकार की विचारधारा के साथ चाह रहे होंगे कि सर अब तो एकदम मन कर रहा है कि आपसे बतिया लें। हमसे बतियाना अगर चाहते हो तो उसका लिंक जो है ना हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, एक सेशन है जिसके माध्यम से हम आपके मुद्दे जो है वो लेकर आते हैं। कमेंट बॉक्स के नीचे आप हमें चाहें तो कोई मुद्दा सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करिएगा या लेकर आइएगा, लेकिन इस बिटवीन अगर आपको हमसे बातचीत करनी है, मुझसे अगर पर्सनल कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैंने आपके सामने एक लिंक पिन कर दिया है ankitinspireindia.com का, जहां जाकर के आप मेरे साथ बातचीत करने का एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ वो स्लॉट अवेलेबल है। चार्जेस का उद्देश्य कतई ये नहीं है कि आपसे पैसे कमाए जाएं, उद्देश्य केवल इतना है कि जो जेन्युइन है, जिसको एकदम बस अड़ी पड़ी है कि हाँ सर से बात करनी है, उसके लिए हम अवेलेबल हों, है ना। कारण ये, बाकी सबसे आपसे तो बातें हम दिन भर ही करते रहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा। ankitinspireindia.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप हमसे, लिंक पिन कर दिया वैसे हमने। इसके साथ साथ हम एक जानकारी ये कहना चाहेंगे कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है ना, उसको अब ब्लू टिक मिल चुका है। आप इस प्रकार से टिक देख सकते हैं, ये ऑथराइज्ड हो चुका है, जिस पर वर्तमान में 120,000 के आसपास सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम का नंबर 7878158882 है, जिससे किसी भी सहायता के लिए आप कॉल कर सकते हैं जो पढ़ाई से संबंधित हो। बाकी तो अभी हम और प्रकार की सहायताएं दे नहीं रहे हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सब महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।